देखिए बेटा, सो इट वॉज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी इन 1898 इन द नर्व सेल, आउल जो होता है ना पक्षी उल्लू, उसकी नर्व सेल में ये ढूंढा गया था 1898 में। शुरुआत में ये लग ही नहीं रहा था कि एक सेल ऑर्गेनल है, उनको लगा था कि जो स्टेन किया गया है जिस डाई से, जिस से मॉलिक्यूल से, उसका ही कोई पार्ट है। बाद में पता लगा था कि एक्चुअल में एक सेल ऑर्गेनल है, इसके लिए इनको नोबेल भी मिला था। सो दीज आर प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक में ये नहीं मिलता है। सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं ये यूकैरियोटिक में मिलता है, और ये एक मेम्ब्रेन बाउंड है, याद रखना, ये एंडो मेम्ब्रेन जो सिस्टम है उसका पार्ट है, ठीक है ना। सो पार्ट ऑफ, याद रखना, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, ये याद रखिएगा, ठीक है। और ये यूकैरियोटिक सेल में मिलता है, ठीक है। सो गोल्जी अपैरेटस इज एन ऑर्गेनल मेड अप ऑफ स्टैक्स ऑफ, स्टैक है ना इसमें भी, ये देखिए ये डिफरेंट स्टैक्स हैं, ठीक है ना। अगर इस, ये 2D में है, इसको ऐसे काट दिया गया है, इसके अंदर का ल्यूमन आपको दिखाई दे रहा है, मेरे हाथ की तरफ देखिए बेटा, ऐसे ऐसे एक स्टैक ये हो गया, फिर ये रखा है, फिर इसके ऊपर ये रखा है, ऐसे पैरेलल स्टैक्स रखे हुए हैं कई सारे, ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका भी, और ये माना जाता है, ये ध्यान से समझिए, ये माना जाता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है रफ वाला, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यही इसको अराइज करता है, यही इसको बर्थ देता है गोल्जी को, इससे ही बनता है ये माना जाता है, ठीक है। एक थ्योरी ये कहती है कि RER से ही गोल्जी बॉडी बनता है। सो इसके कितने पार्ट्स है बेटा, एक बात और याद रखिएगा, इसको हम डिक्टियोसोम्स भी बोलते हैं, गोल्जी बॉडी के लिए दूसरा नाम है डिक्टियोसोम्स, ये याद रखिएगा। अब इसके चार कंपोनेंट्स है बेटे, एक है सिस्टर्ने, दूसरा है वैक्यूल्स, तीसरा है वेसिकल, और चौथा है ट्यूब्यूल्स, ठीक है। सो अगर मैं ये चार स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाऊं, यहाँ पर देखिए जो इसका स्ट्रक्चर होता है बेटा, ध्यान से समझिए, ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा कनकेव कन्वेक्स वाला सिस्टम होता है इसमें, इस साइड कन्वेक्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा इधर, ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इधर, आप समझ लीजिए ये न्यूक्लियस है, ठीक है ना। और इसके अंदर इसके साथ जुड़े हुए ऐसे 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 नेटवर्क भी होते हैं, ठीक है, वो हमने उस डायग्राम में नहीं बनाए हैं अभी, कॉम्प्लेक्स कम रखा है उसको। तो ऐसे ऐसे ये बीच में इसमें स्ट्रक्चर भी जुड़े होते हैं इसमें, और ये स्टैक्स बना रहा हूँ मैं, ठीक है, ऐसे ऐसे ये बर्ड ऑफ हो रहा है, एक वेसिकल निकलेगा। अब ध्यान से समझिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनने के बाद वेसिकल, जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल, वो इसके पास भेज देगा, वो आके इसमें मर्ज हो जाएगा, इसके थ्रू ये सारा कनेक्टेड है आपस में, ये स्पेस नहीं है, यहाँ पे समझिए आप, कनेक्टेड है सारा, ये इसका ल्यूमन है, इसमें खूब सारी प्रोटीन्स हैं गोल्जी बॉडी में, ठीक है। फिर वो इसमें एंट्री करेगा, ऐसे एंट्री कर करके, और जब वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए, या फिर सेल के अंदर ही यूज़ करने के लिए, हो सकता है ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन में भी मैंने आपको बताया था पहले वीडियोस में कि यहाँ पर दो तरीके की प्रोटीन होती है, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक, हो सकता है ये वो प्रोटीन हो जिसकी ज़रूरत सेल मेम्ब्रेन को हो, तो वो उसको यहीं पर भेज देगा यहाँ पर, और वो मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन फिक्स हो जाएगी, ठीक है। ये तो सेल के अंदर ही ज़रूरत है इसकी, वहाँ पे भेज दिया, या फिर जैसे मैंने आपको बताया इंसुलिन को बाहर भेजा जाता है, तो इसने उसको मॉडिफाई कर दिया इंसुलिन को, ऐसे प्रोटीन को, और वो प्रोटीन सिक्रेटरी वेसिकल से बाहर निकली और फिर एक्सोसाइटोसिस से बाहर निकल गई, ठीक है। तो इसमें मैं आपको पार्ट बता रहा हूँ बेटा, देखिए पहला है सिस्टर्ने पार्ट, सिस्टर्ने आप किसको बोलेंगे, ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ये एलोंगेटेड फ्लैटेड है, ये सिस्टर्ने है, ठीक है बेटे, और इसके अंदर यहाँ पर इसका ल्यूमन है इन सिस्टर्नेस के अंदर, ठीक है। दूसरा पार्ट है बेटा वैक्यूल्स, अब यहाँ पर देखिए बेटा, ये जो इसका एंड दिखाई दे रहा है ना, एंड यहाँ पर ये जो एंड है, कई बार क्या होता है जब प्रोटीन इसके पास गोल्जी बॉडी के पास पहुँचती है तो वो वापस भेजनी पड़ती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, तो ये यहाँ से एक वैक्यूल बन के और फिर यहाँ से निकल के ये बर्ड ऑफ हो जाएगा यहाँ से, और वापस वो वेसिकल से इसको भेज देगा, ये वैक्यूल्स बनते हैं पेरीफ्री पे, सिस्टर्ने की पेरीफ्री पे, ठीक है, जो इसको वापस भेज देते हैं, ये हैं क्या बोलते हैं इसको, वैक्यूल्स, ठीक है बेटा। फिर है वेसिकल्स, वेसिकल्स जैसे कि मैंने आपको बताया ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल है,
ठीक है, और ये यहाँ पर आएगा प्रोटीन्स को लेकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और फिर वो आगे जाएगी, और ये वाला जो वैक्यूल है जिसके पास रेडी है जो प्रोटीन है जिसकी पूरी सॉर्टिंग आउट पैकेजिंग हो चुकी है, वो यहाँ पर आएगी और उस प्रोटीन को फिर ये जैसे अगर बॉडी के अंदर ज़रूरत है सेल के अंदर तो वो सेल को ही भेज देगा, सेल को ही ज़रूरत है, या फिर सेल के बाहर एक्सोसाइटोसिस से भेज देगा। ये होता है सीक्रेटरी वेसिकल्स। ठीक है, अगर हम इस डायग्राम में देखिए, सो ये और ये आपको दिखाई दे रहा है, दीज आर वेसिकल्स, और यहाँ पर ये वेसिकल है, बट ये है ER वेसिकल्स या ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, और ये है सीक्रेटरी वेसिकल्स। सीक्रेटरी वेसिकल्स ट्रांसफेस की तरफ होता है, जहाँ पर इसमें जो भी होगी प्रोटीन्स, वो प्रोटीन्स नाउ रेडी, उसको एक्सपोर्ट करने के लिए वो रेडी है। ठीक है, जबकि ये प्रोटीन अभी मॉडिफाई होंगी, उसकी काट छाट की जाएगी, उसकी प्रोसेसिंग की जाएगी इनके अंदर, ये जो ल्यूमन्स है ना, इनके अंदर जो प्रोटीन्स है, ये ल्यूमन है सिस्टर्ने का इसमें, और फिर वो जाकर रेडी होंगी। तो ये याद रखिएगा, ये वेसिकल्स है बेटा, और ये बना रखा ना मैंने आपको पिछले अभी बताया था, ये वैक्यूल्स है ये पेरिफ्री पे। ठीक है, सो ये हो गया सिस्टर्ने, ये हो गया वैक्यूल्स, और ये हो गया वेसिकल्स। अब मैं आपको डायग्राम में बता रहा था, एक और बचता है ट्यूब्यूल्स। ये ट्यूब्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, ये ट्यूब्यूल्स एक्चुअली ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है ना, उस पिछले डायग्राम में मैंने बनाया नहीं है, इस डायग्राम में अगर आप चाहें तो यहाँ पे बना सकते हैं। ये यहाँ पर ऐसे ऐसे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर भी बनते हैं ऐसे। ठीक है, अभी मैं आपको इसके साथ एक और साथ में एक डायग्राम दिखाने वाला हूँ, उस डायग्राम से आपको क्लियर होगा कि ये कैसे बनते हैं। तो ये चार स्ट्रक्चर है, ये देख लीजिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक एक करके। द सिस्टर्ने आर फ्लैटेंड सैक्स अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर, ऑफन दीज आर अरेंज्ड कंसेंट्रिकली विद अ कनकेव एंड कन्वेक्स फेस। ठीक है, इसका क्या मतलब है, जैसे इस डायग्राम में देखिए, ये वाला जो पार्ट है यूं आपको दिखाई देगा, इधर वाला पार्ट जो कॉनकेव हो गया, इधर कन्वेक्स हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ, और बाहर की तरफ कॉनकेव हो गया। तो ऑफन ऐसे स्टैक्स लाई करते हैं पैरल इस वे में। ठीक है बेटा, अब देयर नंबर वेरीज फ्रॉम सेल टू सेल। बेटा जो सेल ज़्यादा एक्टिव होती है, जहाँ पे प्रोटीन्स की, ग्लाइकोलिपिड्स की, फॉस्फोलिपिड्स की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, उनमें इनका नंबर ज़्यादा होगा, बाकी में इनका नंबर कम होगा। सो अ फ्यू से लेके अ फ्यू थाउजेंड तक, मतलब कुछ से लेके कुछ हज़ार तक ये हो सकते हैं। ठीक है, दीज आर राउंडेड सेल्स। अब आते हैं वैक्यूल्स पे। वैक्यूल्स मैंने आपको बताया, पहले पोजिशन फिर से देख लीजिए वैक्यूल्स की। जैसे इसमें मैंने आपको बताया था, ये स्टैक्स जो है इनकी पेरिफ्री पे, यहाँ से बर्ड ऑफ हो जाता है, वैक्यूल्स बन जाते हैं, ये वाला। ठीक है ना, ये वैक्यूल्स है राउंडेड स्ट्रक्चर। सो दीज आर राउंडेड स्ट्रक्चर सैक लाइक विद लार्ज स्पेस, दीज आर फॉर्म्ड एट द डिस्टल एंड, डिस्टल मतलब अवे दूर, ऑफ द सिस्टर्ने बाय अ प्रोसेस कॉल्ड वेसिकुलेशन ऑफ सिस्टर्नल सैक्स। ये प्रोसेस का नाम है वेसिकुलेशन, और इसमें क्या होता है, इसमें देखिए आप, ये जो पार्ट है ना, ये यहाँ पे वैक्यूल्स बन जाएंगे। ये कई बार जो प्रोटीन आती है वो ढंग से नहीं बनी होती है, उसको प्रोसेसिंग की और ज़रूरत होती है, तो ये वाला पार्ट जो है ये बर्ड ऑफ हो जाता है, यहाँ से निकल जाता है और वैक्यूल बन के वापस वो प्रोटीन पहुँचा देगा एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के पास, यहाँ से वापस चली जाती है वो। ठीक है, सो दिस इज वैक्यूल। अब बात करेंगे वेसिकल की। ठीक है, वेसिकल, सो दीज आर प्रेजेंट एट द पेरिफ्री ऑफ सिस्टर्ने अटैच टू ट्यूब्यूल्स, दीज आर माइन्यूट ड्रॉपलेट लाइक शेप इन शेप। सो वेसिकल्स आप देख लीजिए, मैं फिर से बता दूं, ये वाले दीज आर ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, जिसमें वो प्रोटीन है जिसको अभी मॉडिफाई किया जाएगा, जो अभी रेडी नहीं है, जो इसके सिस्टर्ने है ना, इनके अंदर जो प्रोटीन है वो उसको मॉडिफाई करेगी, वो अभी रेडी नहीं है, वो है ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेसिकल्स। और एक ये वेसिकल है रेडी, जिसमें प्रोटीन होती है, जिसको बाहर भेजा जा सकता है, वो ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है सेल के बाहर भी, या बॉडी के सेल के अंदर ही ज़रूरत है तो वहाँ पर, वो है सीक्रेटरी वेसिकल्स ट्रांसफेस की तरफ, ये है वेसिकल्स। ठीक है, सो ट्यूब्यूल्स की बात करें, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ फाइन ब्रांच ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ये मैं आपको फिर से बता दूँ, यहाँ पर मैंने आपको बना के दिखाया था, ये ऐसे किनारे पे ट्यूब्यूल, ये जैसे ना ट्यूब्यूल की तरह ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा, दीज आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, ये भी होता है इसमें। सो ये जो है, ये चार तरीके के इसके पार्ट्स थे। अब फंक्शनली इसके कितने पार्ट होते हैं वो पढ़ेंगे हम। एक ये स्ट्रक्चर देखिए बेटा, ये गोल्जी बॉडी का ही स्ट्रक्चर है, और इसमें आप ट्यूब्यूल्स देख पा रहे हैं कहाँ पर हैं, सिस्टर्ने देख पा रहे हैं, और इसके बाद वेसिकल्स देख पा रहे हैं। ठीक है, और ऊपर से जो बर्ड ऑफ हो रहा है, आप वैक्यूल्स को देख पा रहे हैं। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है,
ठीक है, ध्यान से देखिए, नीचे की तरफ ER वेसिकल्स लिखा है जहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल्स आ रहे हैं ऊपर की तरफ, ठीक है बेटा, बीच में सिस्टर्ने हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पर देखिए तो इस डायग्राम में आपको ये जो वेसिकल्स बड ऑफ हो रहे हैं, निकल रहे हैं ट्रांसफेस से, वो आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये सरफेस देखिए इसकी, ट्रांसफेस जो कि इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ है, और किस तरीके से उसमें से ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स में प्रोटीन्स जा रही है। कुछ प्रोटीन सोल्युबल होती है जो वाटर सोल्युबल होती है, कुछ वो होती है जो इनसोल्युबल होती है, लेकिन वो फैट में सोल्युबल प्रोटीन्स होती है, ठीक है ना। तो सिक्रेटरी प्रोटीन्स और ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, सिक्रेटरी वेसिकल्स देख पा रहे हो आप, तो ये दोनों बाहर चले जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। और ये है इसका एक और स्ट्रक्चर जिसमें इन्होंने लाइसोसोम के पास जो वेसिकल्स जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, वो भी शो किया है। सो जब लाइसोसोम पढ़ेंगे तब इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है बेटे। तो ये इसका स्ट्रक्चर था, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फंक्शनली इसके जो पार्ट है उसको हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, आप देखिए यहाँ पर मैं आपको समझा दूँ। एक तो ये पार्ट है सिस फेस, एक है ये ट्रांस फेस, और एक है बीच वाला मिडल पार्ट। सो 1, 2, 3 इनके तीनों के फंक्शन थोड़े से अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ये तीन पार्ट में फंक्शनली डिवाइड किया गया है। सो पहला हम बात करेंगे सिस गोल्जी नेटवर्क की, सिस पार्ट, ठीक है। तो जब सिस पार्ट की बारी आती है बेटे, तो अब आप समझिए ये वाला पार्ट जो नियर टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके पास जो है सिस पार्ट, ठीक है। दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फेसिंग साइड जो है गोल्जी बॉडी की, ये वो होती है। इट इज कंपोज्ड ऑफ एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स, यहाँ पर खूब सारे इसके बीच में, यहाँ पर भी ट्यूब्यूल्स इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं ये, ठीक है। यहाँ पर भी ये ऐसा नहीं है कि अलग अलग है, ये कनेक्टेड है आपस में, ठीक है। सो ऐसे ऐसे कनेक्शंस हैं, इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स हैं यहाँ पर, ठीक है। इट्स फंक्शन इज टू आइडेंटिफाई एंड सॉर्टिंग द प्रोटीन्स टू बी सेंट बैक टू ER और टू प्रोसीड अहेड। इस लाइन का मतलब अच्छी तरह समझिए क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन को बनाकर भेज दिया है, वो प्रोटीन जब यहाँ पर एंट्री करेगी तब जाके ये जो पार्ट होगा ये आइडेंटिफाई करेगा कि क्या वो प्रोटीन सही बनी है, क्या उसकी प्रोसेसिंग और उसकी पैकेजिंग की जा सकती है और उसको रेडी करके आगे बाहर भेजा जा सकता है, या उसमें अभी कोई कमी है। अगर वो कमी होगी तो ये बर्ड ऑफ हो जाएगा वैक्यूल्स और उसको वापस भेज देगा ये पार्ट। अगर उसमें कोई कमी नहीं है तो उसको आगे मिडल पार्ट में भेज देगा सॉर्टिंग के लिए, पैकेजिंग के लिए, मतलब कि प्रोटीन्स की भी फोल्डिंग की जाती है। मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन का एक तो होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, एक होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो तरीके का होता है, एक तो शीट की तरह, पेपर की तरह एक ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एक होता है टर्शियरी स्ट्रक्चर, ऐसे बिल्कुल ये 3D स्ट्रक्चर है। आप एक धागा लीजिए, उस धागे को जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है बेटा, ठीक है। और अगर ये ऐसे हो जाती है, ये आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये 3D, दिस इज टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और ये मेंटेन तभी रहेगा जब इसके आपस में ऐसे बॉन्ड बनते हैं, यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, आयनिक इंट्रैक्शंस होती है, डाइसल्फाइड ब्रिज होते हैं, कई पार्ट होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे इसको। तो ऐसा स्ट्रक्चर मेंटेन करना का ये सब काम कौन करता है, इसको ऐसे करते हैं, इसको सॉर्टिंग आउट करना और इसकी काट छाट करना, प्रोसेसिंग करना, ये काम करता है गोल्जी बॉडी, ठीक है। ये फोल्डिंग स्टार्ट तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही हो जाती है, पर फाइनल टच इसको गोल्जी बॉडी देता है। सो ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे थे इस पार्ट में सिस के बारे में, कि या तो अगर प्रोटीन ढंग से नहीं बनी होगी, उसमें कोई कमी होगी, तो वापस भेज दिया जाएगा या फिर वो आगे जाएगी, ठीक है। इट मींस यहां पर आइए, इट्स फंक्शन इज टू आइडेंटिफाई एंड सॉर्टिंग द प्रोटीन्स टू बी सेंट बैक टू ER और टू प्रोसीड अहेड, मतलब इसके थ्रू आगे चल सकती है, प्रोसीड अहेड। फिर आता है बेटा मीडियल पार्ट, ये बीच वाला, इट्स मीडियल, MEDIAL, मीडियल पार्ट, नियर टू बॉडी को बोलते हैं, ठीक है। इसकी जो मेन एक्सिस है बॉडी है वो ये है, इसके पास जो होगा वो मीडियल है, और जो इससे दूर होते हैं वो लेटरल कहलाते हैं। सो इट इज प्रेजेंट इन द मिडल पार्ट ऑफ द गोल्जी विच कंसिस्ट ऑफ बल्क ऑफ द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। आप देखिए इस मिडल पार्ट में सबसे ज्यादा बड़े बड़े सिस्टर्ने हैं, ये देखिए मिडल पार्ट में सबसे ज्यादा बड़े सिस्टर्ने होते हैं। इट इज कंपोज ऑफ सीरीज ऑफ लार्ज फ्लैटेंड सिस्टर्ने, ये लार्ज फ्लैटन सिस्टर्ने मिडल पार्ट में मिलते हैं, ट्रांस और सिस के बीच में मिलते हैं बेटा, ठीक है। इट मॉडिफाइज द प्रोटीन बाय एडिंग डिफरेंट ग्रुप्स, मेनली कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। सो प्रोटीन्स में कार्बोहाइड्रेट को ऐड कर देता है, जैसे बन जाएगी ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है ना। तो प्रोटीन को मॉडिफाई कर दिया,
ठीक है। सो ऐसे कार्बोहाइड्रेट ये ऐड कर देता है इसमें, ठीक है बेटा। ये मिडल पार्ट था, अब हम बात करेंगे ट्रांस पार्ट की, जो इसको ट्रांस गोल्जी नेटवर्क है वो, उसकी बात हम करने वाले हैं। देखिए द ट्रांस गोल्जी नेटवर्क, यहां पर देखिए ये वाला पार्ट है लास्ट वाला, जिससे सिक्रेटरी वेसिकल्स निकल रहे हैं, और ये जो रेडी हो चुकी है प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन या फॉस्फोलिपिड, जो भी पार्ट है जो रेडी हो चुका है, उसको या तो अगर इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जरूरत है या फिर सेल के अंदर ही जरूरत है तो वहां पे सेंड कर देगा इसको, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को दे देगा, या फिर अगर ये बाहर जाने के लिए बनी है तो इसको यहाँ इसके थ्रू एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बाहर रिमूव कर देगा, ये यहाँ से मूव करेगा सिक्रेटरी वेसिकल्स और यहाँ रिलीज कर देगा, ठीक है ना। तो ये ट्रांसफेज का काम है, ठीक है। तो ट्रांसफेज क्या करता है, आप देखिए यार, द फेज फार्देस्ट फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड नियर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब यहां पे देखिए बेटा, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन ग्रीन कलर, ये इसके नजदीक होता है, इसके पास होता है, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सबसे दूर होता है ये फेस इसका। इट इज कंपोज ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स, यहां पर आपको या तो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिखेंगे, ये देखिए आप इसको भी ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर बोल सकते हो यहां पर, या फिर ये बर्ड ऑफ हो रहा है ना, ये धीरे धीरे ये आपको दिख रहा है, ये बर्ड ऑफ होकर एक वेसिकल बन जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा। तो ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स यहां पर ज्यादा होते हैं ट्रांसफेस में, ठीक है ना। इसका मेन फंक्शन क्या है, इज टू सॉर्ट द प्रोटीन ट्रैफिक, प्रोटीन ट्रैफिक है मतलब पीछे से कितनी सारी प्रोटीन बन के आ रही है, और उन प्रोटीन्स को उनकी डेस्टिनेशन पर भेजना, यानी कि अगर वो प्रोटीन बॉडी के बाहर सेल के बाहर बॉडी के और किसी पार्ट में उसकी जरूरत है तो वहां बाहर भेज देना ऐसे करके, या अंदर भेज देना सेल के अंदर जरूरत है तो उसको सॉर्ट आउट करता है, ठीक है, करेक्ट डेस्टिनेशन पे भेजता है। एक बात याद रखिएगा, गोल्जी बॉडी को इसीलिए हम लोग पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि इसका काम होता है ना सिर्फ पैकेजिंग करना बल्कि पैकेज करके उस पर एक मोहर लगा देता है, एक ठप्पा लगा देता है ना, जैसे मोहर लगा देता है पोस्ट ऑफिस वाले कि इसको यहाँ भेजना है यहाँ भेजना है, वैसे ये हर प्रोटीन जो जरूरत होगी उस पर एक मोहर लगा देगा, उस पर एक टैग लगा देगा, उस पर एक लेबल लगा देगा और बाहर भेज देगा। ये काम ट्रांस वाला ट्रांसफेस करता है, ठीक है बेटे, अभी तक क्लियर है आपको। सो अब हम बात करेंगे इसके फंक्शंस क्या हैं, डिफरेंट फंक्शंस। इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मॉडिफिकेशन एंड सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है बेटा। तो ये आप समझिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ग्लाइकोसिलेशन का, ग्लाइकोसिलेशन मतलब एडिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट ग्रुप, कार्बोहाइड्रेट ग्रुप, ये इनिशिएशन जो है ना इसका स्टार्ट, वो तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो जाता है, लेकिन ये एक्चुअल में होता कहां है। अब मैंने लिपिड्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट को अटैच किया तो बन गया ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइको वर्ड कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है। अगर मैंने प्रोटीन के अंदर अटैच किया तो बन गया ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन। सो ये जो है एडिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें इसका बहुत बड़ा रोल है गोल्जी बॉडी का, ये याद रखिएगा। सो दिस ग्लाइकोसिलेशन पैटर्न हेल्प इन सॉर्टिंग आउट वेरियस प्रोटीन्स टू देयर फाइनल डेस्टिनेशन, ठीक है। इनसे क्या होता है बेटा, कई बार ये टैग लग जाता है, जैसे कि आप यहां पे समझिए, लाइसोसोम्स भी यहां बनते हैं, ये याद रखना। लाइसोसोम्स जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनेगा, उसके डिफरेंट पार्ट्स, एंजाइम्स जो होते हैं लाइसोसोम में वो हाइड्रोलेज होते हैं, हाइड्रोलेज यानी कि प्रेजेंस ऑफ वाटर में ब्रेक डाउन करेंगे, लाइटिक एंजाइम्स हैं, ठीक है, लाइसोसोम में होते हैं, और एसिडिक मीडियम में काम करते हैं सिर्फ, ये याद रखिएगा। लाइसोसोम के एंजाइम्स, वो एंजाइम्स ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनेंगे, बट वो एक प्रोटीन है, और उस प्रोटीन की सॉर्टिंग आउट कहाँ की जाएगी, गोल्जी बॉडी में। सो लाइसोसोम की फॉर्मेशन में इसका बहुत बड़ा हाथ होता है। सो जब लाइसोसोम बनते हैं और उनके एंजाइम बनते हैं, जैसे ये है लाइसोसोम और इस तक एक एंजाइम को सेंड किया जाएगा, लाइसोसोम के एंजाइम को, तो यहाँ से इसके ट्रांसफेस से एक वेसिकल निकलेगा सिक्रेटरी, जिसमें एंजाइम्स होंगे और उसको सेंड किया जाएगा। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि ये जाके इसी के पास मिलेगा, तो मैंने आपको बताया था टैग या लेबल, जैसे पोस्ट ऑफिस वाले करते हैं ना, एक मोहर लगा देते हैं, वैसे ये टैग कर देता है। तो इस वेसिकल के ऊपर एक मोहर लगेगी, एक टैग लगेगा मैनोज 6 फॉस्फेट का, ठीक है, जिसकी वजह से ये किसको मिलेगा जाके, लाइसोसोम को। सो ऐसे जो टैग है ना मैनोज, ये कार्बोहाइड्रेट है बेटा, मैनोज एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। सो
मैं यहाँ पे यही कहना चाह रहा था कि इसमें लेबल कर देता है किसकी वजह से, कार्बोहाइड्रेट की वजह से, ताकि अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच सके जहाँ पे इसको जाना है। ये एक एग्जांपल है इसका। सो यहाँ पर देखिए, इट हेल्प्स दिस ग्लाइकोसिलेशन, ग्लाइको जो ग्रुप है उसको ऐड करना। जैसे इसमें अभी मैनोस मैंने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट को ऐड कर दिया है। ये क्या करता है, हेल्प इन सॉर्टिंग आउट वेरियस प्रोटीन्स टू देयर फाइनल डेस्टिनेशन। फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, लाइसोसोम, वहाँ पर सेंड आउट करना, इसको सेंड कर देना ऐसे, ठीक है, टैग या लेबल कर देना फाइनल डेस्टिनेशन, ठीक है। दूसरा, इट यूजेस सिस्टर्ने टू मॉडिफाई प्रोटीन्स एंड लिपिड्स दैट हैव बीन बिल्ट इन ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड प्रिपेयर देम फॉर एक्सपोर्ट थ्रू इट्स ट्रांसफेज आउटसाइड ऑफ द सेल और फॉर ट्रांसपोर्ट टू अदर लोकेशन इन द सेल। याद रखिए इस लाइन का मतलब क्या है, कि ये प्रोटीन्स को, लिपिड को मॉडिफाई कर देंगे और इस तरीके से मॉडिफाई करेंगे कि वो ट्रांसफेज से फिर सिक्रेटरी वेसिकल्स में निकलेगा, या तो वो सेल के बाहर उसको निकाल देंगे या फिर अंदर ही यूज हो जाएगा। फिर से यहाँ पर देखिए इस लाइन का मतलब क्या है, ये जो यहाँ पर प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स आ रहे हैं वो यहाँ से मूव करेंगे, और जब इनके अंदर सिस्टर्ने के अंदर प्रोटीन्स जो है यानी कि एंजाइम्स है वो इसको मॉडिफाई कर देंगे, ठीक है, और पैकेजिंग कर देंगे सॉर्टिंग आउट करके, अलग अलग करके, मतलब सॉर्टिंग आउट करके फिर उसकी प्रोसेसिंग कर देते हैं, काट चाट कर देते हैं, उसका फोल्डिंग कर देते हैं प्रोटीन्स का, उसका स्ट्रक्चर दे देते हैं, या ग्लूकोज को उसमें ऐड कर देते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स ग्लाइकोप्रोटीन बना देते हैं, ठीक है, और फिर उसको रेडी करके बाहर ट्रांसपोर्ट कर देंगे अगर सेल के बाहर ज़रूरत है, और सेल के अंदर ही ज़रूरत है तो अंदर सेंड कर देंगे, ठीक है। तो ये काम करता है गोल्जी बॉडी, सॉर्टिंग आउट, पैकेजिंग, प्रोसेसिंग, सब काम करता है, ये पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल होता है। सो अगला पॉइंट बेटा, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फॉस्फोलिपिड्स एंड अदर मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर ट्रांसपोर्टेड टू द गोल्जी बॉडी टू बी बायोकेमिकली मॉडिफाइड। मतलब फिर से वही लाइन, वही समझिए इसका क्या मतलब है, एंड देयर ट्रांजिशन फ्रॉम सिस टू ट्रांस पोल्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स। यानी कि ये जो भी ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स आ रहे हैं सिस से ट्रांस फेस की तरफ बीच में मॉडिफाई होते जाएंगे और यहाँ पर आके वो रेडी हो जाएंगे टू बी एक्सपोर्टेड आउट ऑफ द सेल्स एक्सोसाइटोसिस से ऐसे, या फिर सेल के अंदर यूज करने के लिए, ठीक है ना। और ये काम कौन करता है, एंजाइम प्रेजेंट इन द गोल्जी ल्यूमन डू द मॉडिफिकेशंस। ये जो है ना, ये ल्यूमन, इसके अंदर जो एंजाइम्स है ये काम करते हैं, और इस मूवमेंट होती है सिस से ट्रांस की तरफ, ऐसे मूवमेंट होती है बेटा इसकी ऐसे, ठीक है। तो इसके थ्रू ये प्रोटीन्स अपना अपना काम करते रहते हैं और यहाँ पर आके रेडी हो जाता है, फिर इसको बाहर भेज देते हैं, ये इसका फंक्शन है, ठीक है बेटे। एंड इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन देखिए आप क्या है, द गोल्जी अपैरेटस मैन्युफैक्चर्स अ वैरायटी ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। खुद भी बनाता है ये याद रखना। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दे दूं, हमने जब सेल शुरू किया था उसमें सेल वॉल पढ़ा था, सेल वॉल में आपने मिडल लैमेला पढ़ी होगी, किस किस को याद है बेटा मिडल लैमेला, मेरी वीडियो में देखना आप, मिडल लैमेला, इसमें आपने देखा था कि कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट होता है, पैक्टीन होता है, ये जो है ना पैक्टीन या पैक्टेट, या फिर हेमीसेलुलोज, कुछ याद आया, हेमीसेलुलोज था, ठीक है, ये सब पॉलीसेक्राइड्स थे, काइटिन था, इसको चितिन भी बोलते हैं, ये सब पॉलीसेक्राइड थे। ये सब कहाँ बनते हैं, ये गोल्जी बॉडी बनाता है बाय इट्स ओन। देखिए आप, इंक्लूडिंग पॉलीसेक्राइड्स इन प्लांट सेल इट प्रोड्यूसेस पैक्टीन्स। जो मिडल लैमेला है दो एडजेसेंट जो सेल्स होती हैं प्लांट्स की उनको आपस में जोड़ के रखता है, ठीक है, एंड अदर पॉलीसेक्राइड्स नीडेड फॉर प्लांट स्ट्रक्चर। अगला पॉइंट देखिए, द प्रोडक्ट्स एक्सपोर्टेड बाय द गोल्जी अपैरेटस थ्रू द ट्रांसफेज इवेंचुअली फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। यहाँ पर देखो बेटा इसका क्या मतलब है, ये जो रेडी प्रोटीन है यहाँ पे, या ग्लाइकोलिपिड्स है, या ग्लाइकोप्रोटीन्स है, जो भी है फॉस्फोलिपिड्स है, ये यहाँ पर आएगा और इसके बाद ये जाएगा सिक्रेटरी वेसिकल से, ये जाके इस मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाएगा, इसकी मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाएगी और फिर इसका जो भी कंटेंट होगा ये बाहर निकल जाएगा। जैसे इस केस में प्रोटीन है, ये बाहर निकल जाएगी, इसका मतलब इस प्रोटीन की जरूरत सेल को नहीं है, सेल के बाहर एक्सपोर्ट की गई है, ठीक है, और इसके ऊपर टैग लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, जिससे इस वेसिकल की डेस्टिनेशन आउटसाइड ऑफ द सेल है, यहाँ पर जाएगा और बाहर रिलीज कर देगा, ठीक है। सो स्पेशलाइज्ड मॉलिक्यूलर आइडेंटिफिकेशन लेबल्स और टैग्स, इसका मैंने एग्जांपल दिया था आपको अभी, क्या एग्जांपल दिया था, टैग लेबल, जैसे मोहर मारते हैं वैसे, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया था मैनो सिक्स फॉस्फेट लाइसोसोम्स के लिए है, इसको अटैच कर दिया वेसिकल के साथ मैनो सिक्स फॉस्फेट को, तो ये वेसिकल फिर लाइसोसोम के पास जाए, ऐसे टेबल टैग लगा देते हैं, लेबल लगा देते हैं, ठीक है बेटे। सो दीज आर एडेड टू बाय द गोल्जी बॉडी टू एड इन द ट्रांसपोर्टेशन इफेक्ट। ओके बेटा।